हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बायजूस एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप के यूजीनेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रद्युम्न त्रिपाठी आप सभी का स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। सो दिस वीडियो दिस शॉर्ट वीडियो एज यू ऑल नो कि आई एम रनिंग अ सीरीज जहां पर जिसका नाम है पॉलिटिकल पॉकेट्स बाय प्रद्युम्न सर। सो इस पॉलिटिकल पॉकेट्स में की श्रृंखला में दिस इज द सिक्स्थ वीडियो इफ आई एम करेक्ट। ये छठवीं वीडियो है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट टैसिट कंसेंट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट दैट वाज गिवन बाय जॉन लॉक। ओके, तो जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया है टैसिट कंसेंट का। ओके, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो कहा जाएगा इसको मौन सहमति। ओके, सो वी आर गोइंग टू टुडे वेरी क्विकली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट बाय दैट वाज गिवन बाय जॉन लॉक। ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, फर्स्ट सबसे पहला काम ये कीजिए कि डू सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट यू वोंट बी मिसिंग एनी पर्टिकुलर वीडियो और ऐसे अपडेट्स। ओके, तो कोई भी आपकी वीडियो अपडेट मिस नहीं होगी तो फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट, मौन सहमति। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज दैट कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट वाज गिवन इन द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पब्लिश्ड इन 1689। पहली बात तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट किस किताब में दिया है जॉन लॉक ने। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। ठीक है, तो पहली चीज आपको याद रखनी एग्जाम के लिए क्या कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किताब में उन्होंने टैसिट कंसेंट का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है? ओके, सो लॉक ने सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी की बात की है कि एक जो सरकार है वो वैध सरकार कैसे बनती है। ओके, बिकॉज अगेन वी टॉक अबाउट लेट्स द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड ट्रीटी है, ये जो उनकी किताब है, फेमस किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड ट्रीटी है, इट इज अबाउट द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ द पावर एंड अगेन द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग। ओके, कि सिविल गवर्नमेंट के क्या काम है, कहां से उसकी पावर आ रही है। तो वहां पे सोर्स ऑफ द लेजिटिमेसी की सरकार की वैधता कहां से आ रही है, तो उसको बताने के लिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन की लोगों की क्या क्या राजनीतिक दायित्व होंगे और लोगों के राजनीतिक दायित्व कैसे पूरे कर रहे हैं। तो विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देयर इज अ फिनोमेनन ऑफ टैसिट कंसेंट। ओके, कि लोग अपने राजनीतिक दायित्व जो है वो मौन सहमति के द्वारा भी पूरे करते हैं। ठीक है, तो मौन सहमति एक घटक है राजनीतिक दायित्व का। इट मीन्स कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट कंसेंट इज पार्ट ऑफ the political obligation phenomena that was given by John Locke. Okay, the political obligation, because see, whenever a thinker gave a concept of social contract, remember one thing, social contract is a theory for determining the source of political obligation, ki kis aadhar pe log rajya ki ke daitwon ko nibhayenge, logon ka kya daitwa hoga, rajya ke prati kya kitni zimmedariyan hogi kitni nahi hongi, ye har vicharak ne alag alag bataya. Okay, Hobbes ki baat kare, unhone alag prakar ka political obligation bataya. Okay, वो कंप्लीट सबमिशन की बात करते हैं। ओके, लॉक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अलग तरीके से, रूसो अलग प्रकार की बात करते हैं। ओके, सो ऑल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, याद रखिएगा हमेशा, ऑल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज आर ऑलवेज अबाउट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, कि राजनीतिक दायित्व तो कहां से आ रहा है। ठीक है, सो वहां पे कॉन्सेप्ट आया टैसिट कंसेंट। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट इज टैसिट कंसेंट? सो अकॉर्डिंग टू लॉक, कंसेंट डज नॉट हैव टू बी एक्सप्रेस इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड वैलिड। ओके, ये जरूरी नहीं कि वैधता बार बार, ओके, सहमति जरूरी नहीं कि व्याख्या करके ही बोल के ही वैध दी जाए कि मैं सहमत हूं। ओके, जरूरी नहीं कि हर बार इंसान, सरकार ने कोई लॉ बनाया और इंसान जाके बोले कि हाँ मैं इस लॉ को अप्रूव करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो लॉ बोल रहे हैं कि आप किसी देश में रह रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार सरकार ने कोई नियम बनाया और आप बोले कि ठीक है मैं कंसेंट दे रहा हूँ उसके लिए। ओके, आपको खड़े होकर चौराहे पे बोलना नहीं पड़ेगा। ओके, सो ही होल्ड दैट man gives tacit consent, it means ki man means insan, to government simply by living in the territory. aap sarkar ki territory mein, jo jahan sarkar kaam kar rahi hai, jis territory mein, jis kshetra mein, okay, because state has a very important element of state is territory. ek rajya ki sabse mahatvapurna ikai kya hoti hai, uska jo element hota hai, tatva hota hai, wo territory hota hai. to agar aap ek rajya ke kshetra mein reh rahe hain aur wahan ki government ke rules ke hisab se kaam kar rahe hain, it means ki you have given at consent. आपने बोल के कहीं साइन नहीं करके, बट अगेन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट मींस यू हैव कंसेंटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री. आपने दे दिया है, आपको पता नहीं बट आपने दे दिया है कंसेंट बेसिकली. ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. ओके, लेट्स अज्यूम कि मैं किसी क्षेत्र में रह रहा हूँ और वहां पे मैं जाके मैंने प्रॉपर्टी कर ली. ओके, सो व्हेन आई वाज परचेजिंग प्रॉपर्टी, आई हैव फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वाज गिवन बाय द सिविल अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. ओके, उस सिटी की सिविल अथॉरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन थे, मैंने उसको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर्टी खरीदी. सो अगेन, वहां की सिविल अथॉरिटी के जो भी बेसिकली एग्रीमेंट्स हैं, जो भी लॉज हैं या फिर जो भी टैक्सेस हैं, वो मैं भर रहा हूं. सो इफ आई एम पेइंग दोज टैक्सेस, इफ आई एम फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल डूइंग अ ट्रांजैक्शन, डूइंग अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, इट मींस कि आई हैव प्रोवाइडेड
कंसेंट. ओके, सो कंसेंट हर बार ये नहीं कि कंसेंट फॉर्म आप साइन करेंगे कि एवरी लॉ ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो डेफिनेटली ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट. लॉक ने कंसेंट की बात की. ओके, कि गवर्नमेंट बाय द कंसेंट. ओके, लॉक इज फेमस फॉर इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसेंट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, बट ही वाज बेसिकली सेइंग कि इट्स नॉट दैट कि एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड से कि ओके वी लेट्स से यू हैव टू एक्सप्रेस द कंसेंट. ओके, सम टाइम योर एक्शंस आर गोइंग टू एक्सप्रेस कि यस यू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड. आप देश की, आप धरती के जो नियम है उस जगह के उसको फॉलो कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो टैसिस कंसेंट बहुत सिंपल सी बात है. क्या है? मौन सहमति का सिद्धांत है, जहां पे आप बिना बोले एक सहमति दे रहे हैं. मतलब आप एक राज्य में रह रहे हैं, उसकी सर्विसेज को ले रहे हैं, उसकी सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं, तो सीधी बात है कि आपने सहमति दे दी है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिस कंसेंट दैट वॉज गिवन बाय जॉन लॉक. आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. सो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही शानदार वीडियोस मैं आपके साथ लाते रहूंगा. सो प्लीज डू टेल मी ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसे वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे, स्पेशली इन दिस शॉर्ट वीडियोस पॉलिटिकल पॉकेट्स बाय प्रद्युमन सर. सो इस सीरीज के अंदर कुछ नए वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड बिफोर लिविंग द क्लास, डू सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो. ओके, ये छोटी छोटी वीडियोस अपने दोस्तों को आप दिखाते रहिए, जिससे उनका भी जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बढ़ते रहे. ठीक है, फाइन, चलिए. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड टेलीग्राम पेजेस आपको पता ही है, बायजूस एग्जाम प्रेप, यूजीसी एंड पॉलिटिकल साइंस. तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर रिगार्डिंग द फ्री क्लासेस. ओके, फ्री क्लास के टाइमिंग्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, सो यू कैन कीप ज्वाइनिंग द फ्री क्लासेस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द बायजूस एग्जाम प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द पेड पर्पस. ओके, चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ नाइस डे.